मसूरी देहरादून मार्ग पर एक भीषण हादसा हो गया है। मसूरी एक रोडवेज बस यहां पर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 26 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 4 लोग की हालत काफी क्रिटिकल है और इसी को लेकर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मसूरी पुलिस, फायर सर्विस सब लोग यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर लगातार जारी किया गया है। कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को यहाँ पर सुरक्षित निकाला जा सके। करीब 4 से 5 एम्बुलेंस यहाँ पर मौके पर आई और यहाँ से देहरादून, कुछ को देहरादून हायर सेंटर ले जाया गया और तो कुछ को मसूरी उपजिला चिकित्सालय यहाँ पर ले जाया गया है। DM देहरादून यहाँ मौके पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्थलीय निरीक्षण कर रही हैं। घटना की पूरी जाँच यहाँ पर की जाएगी कि किस वजह से पूरा हादसा हुआ है। सवाल उठता है कि रोडवेज की बस का लगातार इसी कारण यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। पिछले दिन भी एक रोडवेज की बस, परंतु गनीमत रही कि ड्राइवर ने वहाँ पर सूझबूझ से ये सारी चीज़ें देखी हैं। जिलाधिकारी देहरादून यहाँ पर इस पूरे हादसे का निरीक्षण रखना होगा कि हादसे का कारण क्या है। फिलहाल सभी यहाँ पर घायलों को रेस्क्यू किया गया है। SDRF की टीम, मसूरी ITBP, मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के द्वारा इन सभी को रेस्क्यू यहाँ पर करके अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें जो कंडक्टर से पूछताछ करने पर जानकारी मिली है कि 25 कुल मिला के पैसेंजर थे, इसमें से हमने 22, जिसमें 2 कैजुअल्टी हैं वो दून हमने भेज दिया है और 20 जो उसमें इंजर्ड हैं उनको भेज दिया है। बाकी कुछ लोग जो पहले एम्बुलेंस में गए थे ऊपर मसूरी में हैं, कुछ लोग 10 लोग हैं, उसमें जो कुछ माइनर इंजरी वाले हैं तो उनका डिस्चार्ज हो गया। कुछ 4-5 संभव तो वहाँ कुछ घायल हैं, उनको भी हम देहरादून भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसका जो पॉसिबल जो रीजन अभी तक कारण जो रोड एक्सीडेंट का है वो रैश ड्राइविंग का सामने आ रहा है। तमाम जानकारी करने पर ये जानकारी मिली है। बाकी गाड़ी का टेक्निकल माना किया जाएगा, उससे हमको फर्दर जानकारी हो पाएगी। सर, लगातार रोडवेज की बसों से हादसे हो रहे हैं, पिछले दिनों भी एक बस हादसा होते होते बच गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर भी कार्रवाई करेंगे सर? अब ऐसा है कि पिछले बार जो दुर्घटना घटी थी वो भी कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग से थी और ये दूसरा रैश ड्राइविंग है। दूसरा बाकी पैराफिट में भी दिक्कत है तो उसको देखने की जरूरत है और फर्दर जो है निकट भविष्य में रोड एक्सीडेंट ना हो उसके लिए ड्राइवरों को सेंसर करने की जरूरत है और ज़रा उनको जो ट्रैफिक नियम के बारे में उनको और जागरूक किया जाने की जरूरत है। कई ब्लैक होल्स भी हैं जहाँ पर पैराफिट्स नहीं है, उनको भी चिन्हित करने का, क्योंकि अब चारधाम यात्रा यहाँ पर चलेगी तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। अब उसमें जो है एक व्यापक कार्रवाई चल रही है। पैराफिट की क्वालिटी बहुत ख़राब है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, मटेरियल सीमेंट है ही नहीं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्रैश टाइप हमारा जो बैरियर है वो भी बनाए जाने की बात हो रही है और ओवरऑल जो है लोगों को ट्रैफिक के बारे में, चाहे ड्राइवर हों चाहे कोई भी हों, उनको जरा ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक होने की जानी जरूरत है। थैंक यू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।